हेलो एंड वेलकम बैक इन द न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेल रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। इसमें भाई अपने खुद की कार के डीलरशिप हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम लग्जरी कार वगैरह खरीदेंगे, उन्हें मॉडिफिकेशन करा के, उसमें कलर वगैरह चेंज करा के उन्हें हायर प्राइस में बेचने वाले हैं। इसमें एक कार का ऑप्शन ऑक्शन भी होता है, कार मार्केट भी है, और वहाँ से हम बढ़िया बढ़िया कार को खरीद के हम हायर प्राइस में बेच सकते हैं। तो चलो जल्दी हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा ऑफिस है कार फॉर सेल। अभी हमारा ऑफिस बंद है भाई, इतना सारा कचरा फेंक दिया ना भाई किसी ने हमारे ऑफिस के आगे। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें सारा कचरा को हटाना पड़ेगा भाई, वरना ऐसे ऑफिस में कौन ही आएगा। तो भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं। अपने सारा ऑफिस हमने क्लीन कर दिया अभी तो, और ये सब भी क्लीन हो जाए भाई, बस इसे भी हटाना पड़ेगा अभी तो। ये सब क्लीन हो जाए ना बस, उसके बाद ही अभी हम अपने डीलर से स्टार्ट करेंगे। बस अभी सब कुछ हो चुका है और हमारा ऑफिस स्टार्ट करने टाइम हो चुका है। 3, 2, 1। भाई देख लो क्या मस्त ऑफिस है भाई, काफ़ी इंटीरियर वगैरह तो काफ़ी अच्छा है ऑफिस का। और ये क्या लग रहा है, ड्राइव अवे इन अ ग्रेट कार जस्ट फॉर जस्ट 699 डाउन। और ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पर वेब पेज है, इसमें शायद हम अपनी कार वगैरह सेल कर सकते हैं। हाँ कार सेल कर सकते हैं इसमें हम। और अपडेट का है, अगर हम ऑफिस अपडेट करना चाहते हैं ऑफिस अपडेट कर सकते हैं, पर इसके लिए भाई 2 लाख रुपए चाहिए और हमारे पास है 7500 खाली। इतने में क्या होगा। डेकोरेशन कर सकते हैं, ऑफिस का नाम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करके क्या रखें इसका, रख देते हैं डिफॉल्ट कार्स। हाँ ये सही लग रहा है, कलर भी वाइट से लग रहा है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक है। तो अपडेट करते हैं भाई, 10 ऑर्डर जा चुके हैं इसमें हमारे। तो भाई चलो अभी तो टाइम आ चुका है ऑफिस के, मतलब कार खरीदने जाते हैं अभी तो। और ऑफिस बंद कर दिया भाई अभी तो। और ये सही है, हमारे कार के ऑफिस के सामने ना ऑटो रिपेयर का भी है, ऑटो पेंटिंग का भी, और इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ भी ठीक कराना तो यहाँ से करा सकते हैं। ये बढ़िया चीज़ है भाई, सही जगह ऑफिस लिया हमने। अभी बस स्टैंड पर आ चुके हैं भाई, और यहाँ पर हमारे पास नेबरहुड पर जा सकते हैं, कार मार्केट में, गैस स्टेशन, रेड बार, कंटेनर। कंटेनर में खाली सोने जाएंगे हम, तो नेबरहुड भी चलते हैं वहाँ पे, क्या पता कोई सस्ते में कार मिल जाए हमारे बजट में तो भाई काफ़ी सही रहेगा। तो उधर चलते हैं, लेट्स सी एक कार मिल रही है, एक वो मिल रही है, ये वाली भाई काफ़ी मस्त लग रही है भाई। ये आई हो मेरे को लग रहा महंगी होगी ये वाली, लेट्स सी कितने की दे रहे हैं वाली, 31,000 भाई, 31,000। पर कंडीशन भाई काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल नई जैसी लग रही है वैसे देखने में तो, पर हमारे बजट से बाहर है अभी। ये वाली कार कितने की मिल रही है, कितनी की तो रेंटी, कितने की दे रही है वाली कार, ओह 9,200 भाई, बहुत महंगी। इस कार की औकात भी नहीं है भाई इतनी महंगी, तो बहुत बेकार भाई, इतनी महंगी कार कौन लेगा। और ये ऐसी इस कार को लेने से बढ़िया कोई और कार ना ले लूँ मैं। हाँ जी अंकल कितने की दे रहे हो आप ये कार, 2,392। ये अच्छी है, और ईयर 2010 का मॉडल भी है, फीएट पांडा नाम से है, तो काफ़ी अच्छी कार है भाई, इसे ख़रीद रहा हूँ मैं भाई। और कार पूछने से बढ़िया यही कार ले लो। तो भाई हमने अपनी फर्स्ट कार परचेज कर ली, अभी तो देख रहे हो फर्स्ट कार यही है, और आगे जाते थे हम काफ़ी लग्जरी कार भी ख़रीदने वाले आगे की। तो चलो भाई कार में एंटर करने का टाइम आ चुका है, लेट्स सी चल रही है नहीं चल रही भाई, चल रही है अभी तो, बाकी चीज़ चेक करें, लाइट वगैरह भी सही चल रही है इसकी, हॉर्न भी सही है, ये सब सब कुछ सही है वैसे तो इसका। तो भाई अभी चलते हैं अपने अभी ऑफिस चलते हैं अभी, हट जाओ भाई ऑफिस चलते हैं अभी तो, हट जाओ ऑफिस चलते हैं, देखते हैं भाई ये कार बिकती है या नहीं बिकती भाई। अगर नहीं बिकेगी तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करा लेंगे इसमें। नहीं नहीं वहाँ से नहीं जाएंगे, ओए ओ ड्रिफ्टिंग के भाई, ड्रिफ्टिंग वैसे काफ़ी अच्छी लगी है भाई, कार बढ़िया है वैसे ड्रिफ्टिंग ने तो। ओ भाई आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है इसकी, मतलब कंडीशन तो मेरे को भाई सही लगी इस कार की। अब लेट्स सी बिक जाए तो अच्छा है काफ़ी भाई, इनकी कार से हमारी तेज कार चल रही है भाई। ओ भाई ड्रिफ्टिंग भाई क्या मस्त ड्रिफ्ट लग रही है इस कार में तो, इतनी भाई उम्मीद नहीं थी मेरे से उससे। तो भाई ये है शायद कार मार्केट है ये तो, अभी आगे आगे से कार आ रही ड्रिफ्ट नहीं। ओ भाई यार क्या मस्त ड्रिफ्ट लग रही है भाई इस कार से,
बहुत ही तगड़ी कार है भाई ये, अब दिखने में इतनी अच्छी नहीं है पर है काफी अच्छी है भाई, कंडीशन वगैरह काफी अच्छी लगी मेरे को। तो भाई हमारी फर्स्ट कार आ चुकी है अभी, इंजन बंद करो, लेट्स गो, आई होप ये बिक जाए कार। ऑफिस खोलने का टाइम आ चुका है, फर्स्ट कार को हम सेल पे लगा रहे हैं अभी, और लेट्स सी ये बिकती है यानी फीएट पांडा। नाइस, यहाँ से फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे चलो हम नाम ही लिख देते हैं इसका, फीएट पांडा। पता नहीं फीएट की स्पेलिंग उन्होंने अलग ही लिखी थी, पांडा। यहाँ पे अमाउंट हमने खरीदी है 2392 की खरीदी है, तो मैं सोच रहा हूँ 5000 की, नहीं 6000 की चेक करें पहले बिकेगी नहीं बिकेगी। लेट्स सी, हमने लगा दी है फिएट पांडा 6000 की, मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा महंगी लगा दी वैसे तो, पर देखते हैं बिकती नहीं बिकती वैसे तो। ओ एक कस्टमर आया, दो कस्टमर आए, तीन कस्टमर आए भाई, पहले दिन ही इतने सारे कस्टमर। अभी कार वगैरह चेक कर रहे हैं ये, उसके बाद बात करेंगे इनसे। हाँ जी भैया, कितनी कितने की खरीदोगे? 6000। ओ भाई 6000 खरीदने तैयार हो गए, मेरे को लग रहा भाई महंगी महंगी बिक रहा था भाई। ले जा ले जा ले जा ले जा भाई, गई हमारी कार 6000 में। नाइस, दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस भाई, ये होता है बिजनेस, देख रहे हो ये होता है बिजनेस भाई, ऐसे करते हैं बिजनेस। 11000 रुपीज हो चुके हमारे पास, खाली 7500 में स्टार्ट करा था हमने, और अभी तो भाई स्टार्टिंग है यार ये। लेट्स गो भाई, और कार खरीदने चलते हैं अभी तो। और भाई मंडे अभी ख़त्म हो चुका है, अभी हमारा सोने का टाइम हो चुका है, तो अभी सोने चलते हैं भाई। लेट्स गो, अभी कंटेनर में चलते हैं अपने, अभी हमारे पास घर भी छोटा सा, हमने इस यहाँ पे सोते हैं, देख रहे हो यहाँ पे सोते हैं हम। अभी पैसे आने तो फिर देखो क्या घर खरीदता हूँ मैं। स्लीपिंग टाइम हो चुका है भाई, गुड मॉर्निंग, तुम्हारा डे टू स्टार्ट हो चुका है, ट्यूसडे हो चुका है भाई। लेट्स गो, अपने धंधे पे जाने का टाइम आ चुका है, तो अभी ऑफिस जाने की जगह तो हम अभी ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि ऑफिस में कार ही नहीं है हमारी जिसे हम बेचें, तो अभी चलते हैं नेबरहुड में चलते हैं, क्या पता कोई सस्ते में हमारी कार मिल जाए तो अच्छा है। एक अपने लिए भी कार लेनी पड़ेगी, अब बार बार यहाँ पे आना पड़ता है ऐसे करके। और एक कार यहाँ पे दिख रही है मेरे को, जो मेरे को लग रहा है मेरे बजट में आ सकती है। नहीं नहीं ये तो आएगी नहीं बजट में। ओए भाई ये तो वो लग रही है मेरे को, क्या नाम है इसका यार, ये टेस्ला, टेस्ला ऐसी लग रही है भाई वाली, तो महंगी होगी ये वाली, शायद मैंने पूछी थी ना ये, शायद 9000 की बेच रहा था शायद ये, हाँ 8000 की। मॉडल मॉडल कितने का है? 2009 का मॉडल है भाई ये, 2010 का मॉडल मेरे को इतना सस्ता मिल गया था, पर ये तो कंडीशन मेरे को सही नहीं लग रही, डोर एक तरह से देख रहे ख़राब है, उस तरह का डोर ख़राब है भाई इसका। नहीं ये तो नहीं लेने वाले हम, ये वाली कितनी दे रहे भैया, ये महंगी होगी मेरे को देख के लग रहा है वैसे लुक वाइज। 9200 की भाई ये, भाई कंडीशन भी काफ़ी अच्छी मेरे को लग रहा है, ये लेनी चाहिए मेरे को, मेरे को भाई कंडीशन 9000 की भाई काफ़ी अच्छी कार मेरे को मिल रही है वैसे तो। लेट्स सी, 2007 का मॉडल है और चली भी काफ़ी कम है, मेरे को लग रहा है ये बिक जानी चाहिए भाई। भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ इसे खरीदने का, आई होप भाई बिकेगी क्या, कमेंट करके बताओ भाई आपको क्या लगता है ये बिकेगी या नहीं। यार अभी बार्गेन नहीं कर सकता ना, ये भी दिक्कत है, तो मैं खरीद रहा हूँ भाई, रिस्क ले रहा हूँ मैं इसे खरीदने का। यू बॉट, चलो भाई हमने खरीद लिया अभी तो कार, बस चल जाए, चलो भाई चल तो रही है भाई, बढ़िया भाई मेरे को अच्छी लग रही थी कार ये वाली। तो जल्दी से ऑफिस चलते हैं भाई अभी तो अपने, ओ ओ नहीं 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 अरे यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा भाई, अभी तो नई कार ली है मैंने, ऐसा मत कर भाई, मेरे पास रिपेयर कराने के पैसे भी नहीं बचे अभी तो। आई थिंक यहाँ या ये रह रहा भाई, रास्ता भी याद करना पड़ेगा इस गेम में, तो रास्ते भूल जा रहा हूँ मैं, तो कोई मैप वगैरह पे नहीं है इसमें भाई, मैप वगैरह होता ना तो मैं चले जाता आराम से। ओ ओ, 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 ओ ड्रिफ्टिंग है भाई, अब बढ़िया चल रही है भाई, 80 की स्पीड भी चल रही है। ओ यहाँ पे रेड बार है, अच्छा तो भाई अभी चलते हैं ऑफिस पहुँचते हैं इस कार को, मैं सोच रहा हूँ ये मेरे को मिल जाए, अगर ये 13-15 की भी बिक जाती है ना, सोच रहा हूँ मैं इसको 15000 की बिकने की सोच रहा हूँ मैं,
अरे क्या पता 15 MP जाए तो बढ़िया है। तो भाई आ चुके हम डेवॉल कार से आ चुके हैं। भाई ड्रिफ्टिंग देख रहे हो, ड्रिफ्टिंग दिख रहे हो भाई, बिल्कुल ही मैंने तो भाई रेसिंग कार बना चुका। ओ यार यहाँ पे कचरा किसने फेंक दिया, कचरा किसने फेंका यहाँ पे, कोक की बोतल पी के यहाँ फेंक दी भाई। चलो भाई ऑफिस अभी क्लीन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर आ जाएंगे। लेट्स सी ये कार बिकती है कितने की बिकेगी, क्या ये चेवलेट कोबाल्ट, पता नहीं भाई क्या नाम है इसका। ये है 9244 की ना, तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं 14500 की भेज देता हूँ, 14500 की। अरे इतने की तो बिकनी चाहिए, 15 की भेज देता हूँ, चलो 15 कर देता हूँ, 15000 की। उसकी भी कंडीशन मैंने चेक नहीं करी, अबे डर्टी हो चुकी है भाई, ये गंदी हो रखी है, अरे बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसे मैं वॉश करानी चाहता वैसे, पर डैमेज भी ज़्यादा नहीं है, पर ये डर्टी हो चुकी है। मैं इसको, मैं अगर कोई कस्टमर नहीं आया ना तो मैं इसको वॉश कराने दूँ। ओ एक कस्टमर आया, एक कस्टमर आया, नाइस, आइए भैया, आइए आपका स्वागत है। दो कस्टमर आए, आइए आइए भैया आपका स्वागत है, देख लो कार, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, बात करते हैं आपसे, क्या लगता है आपको कार ले लो, ख़रीद लो भाई। तो प्राइस, ओ प्राइस हाई आ रहा है, कह रहा है 12 की भेज दो। लेट्स सी ये वाले भैया कितने की देते हैं, जो जो दोनों में ज़्यादा देगा मैं उसको भेज दूँगा। आई एम थिंकिंग द प्राइस सीम्स अ बेटर हाई, आई कैन कंसीडर इट, फिर लो है 12,299 की। और ये कितने की बोल रहा था, ये कितने की बोल रहा था, देखा भैया 12,299 वो ज़्यादा दे रहा है, मतलब एक दो डॉलर का फ़र्क है वैसे तो, पर मैं बेच रहा हूँ भाई इसको, मैं जितनी ले लो भाई इन, देखे तो इनके पास बार्गेन का ऑप्शन है, मेरे पास बार्गेन का ऑप्शन नहीं होता। ओ आंटी आई, आंटी आई, एक आंटी आई, आंटी ले लो आंटी, महंगे थोड़ा महंगे में ले लो, प्लीज़ 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 आंटी खरीद लो, मस्त कार है। अरे ये भाई 11,000 दे रही है ये, वो 12 तो दे रहा है कम से कम मेरे को, ध्यान दो। एक और आया, एक और आया भाई, दो हो रहा है। हाँ जी भैया आप कितने दे रहे हो भाई, बहुत कस्टमर आ रहे हैं इस कार की, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओ ये 10,000 भाई, इतने कम भाई, कितने सारे कस्टमर आए हैं इस कार के लिए, और जो अच्छा प्राइस देगा उसको हम बेचने वाले हैं भाई इस कार को 11,000 भाई, वो शुरू वाले सही दे रहे थे प्राइस। अब बोलो आंटी आप कितने दे रहे हो, बोलो बोलो, नहीं सारे बेकार प्राइस दे रहे हैं सारे। ओ एक और आया पर कितने कस्टमर आ रहे हैं इस कार के लिए, अरे भैया ले लो यार थोड़ा सस्ता प्राइस लगा लो भाई, प्लीज़ खरीद लो, सब 11,000 दे रहे हैं, वो शुरू वाला सही दे रहा था भाई, तू ही आ जा तू ही ले ले, ये सबसे बेस्ट प्राइस दे रहा था भाई, 12,000 कितना दे रहा था, 12,200 ले लो भाई तू ही ले ले। चलो भाई इसको भेज दिया, तुम सब इतने सारे कस्टमर आए थे भाई इस कार के लिए, बहुत भाई देख रहे 7,500 थे, हम दे रहे 14,000 पे आ चुके हैं। दिस इज बिजनेस भाई, बिजनेस सीख लो मेरे से करना, ऐसे करते हैं बिजनेस भाई। लेट्स गो, ऑफिस हमारा बंद करने का टाइम आ चुका है अभी तो। द कार मार्केट इज प्लेस इज ओपन, कार मार्केट चले क्या अभी, कार मार्केट आज खुला है शायद, कार मार्केट चलते हैं भाई, लेट्स सी यहाँ पे कोई अच्छी कार मिलेगी। ओ ये है कार मार्केट हमारी, यहाँ पे मेरे को लग रहा है महंगी महंगी कार मिलेंगी यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, खाने का दे रहा भाई कुछ, खिला दे कुछ कोक वगैरह। ओ भाई कार, भाई कार ये यहाँ की कार बहुत महंगी होगी मेरे को लग रहा है, 49 की। ये वाली कार कितने की मिल रही है, 82 की भाई, इसकी देख रहे कंडीशन भी बेकार है, लोगों भी नहीं है। ओ भाई ये वाली कार देखो क्या मस्त लग रही है, कितने की दे रही है आंटी ये वाली, ओ 5,75,1987 का मॉडल है भाई, ऑटोमेटिक भाई, पर इसके मेरे को लग रहा है ये मैं खरीदता तो मेरे को बिक जाती आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओ भाई विंटेज कार मिल रही है, ये वाली कार कितने की दे रहे भैया, यार ये कार खरीदनी है मेरे को भाई, बस एक बार थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, पर काफ़ी सस्ती मिल रही है वैसे, 27 की, वैसे 1970 की, ऐसे ये सारी कार महंगी है। ओ ये वाली कार भाई मस्त लग रही है, अगर पैसे होते तो मैं पक्का लेता, ये भाई ये लाखों में होने वाली ये वाली कार।
तो भाई यहाँ पर तो कोई अच्छी कार नहीं मिली अभी, मतलब अच्छी क्या, मतलब जो अच्छी कार है वो भाई लाखों में, लाखों की है, उतना हमारा बजट नहीं है आज का। अभी तो चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ रेड बार है हमारे पास, गैस स्टेशन है, कार मार्केट, नेबरहुड, नेबरहुड भी चलते हैं भाई। नेबरहुड में मेरे को लग रहा है कोई अच्छी कार मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे भाई काफ़ी महंगी कार मिल रही है मेरे को। लेट्स सी, दोबारा आंटी पे आ चुके हैं, दोबारा प्राइस पूछते हैं, क्या पता कम कर दिया आंटी ने। 21 का, अरे आंटी ओ रात हो चुकी है भाई, गलत टाइम पे आ गया मैं, गलत टाइम पे आ गया, रात हो गई इस टाइम पे मेरे को भाई, सोने का टाइम हो चुका भाई मेरा, कंटेनर ये रहा हमारा। ओ भाई इधर तो दिख भी नहीं रहा यार, कंटेनर कहाँ है? अरे मैंने गेट खोल खुला छोड़ के आ गया था अपना। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा थर्ड डे है, और क्या दिख रहा है, थर्ड डे अटेंडेंस हो चुका है, और यहाँ पे लिख रहा है ऑक्शन इज ओपन टुडे 2 PM विल स्टार्ट। अच्छा ऑक्शन भी आज के दिन में, तो हम ऑक्शन में जा सकते हैं, कितने बजे से? 2 बजे से है, पर अभी ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है। ऐसी ऑक्शन में कोई अच्छी कार मिलती है या नहीं, ऑक्शन में वैसे महंगी कारें मिलेगी, पर देखते हैं क्या कोई लग्जरी कार वगैरह आई हो। वो $300 की टिकट है भाई, $300 की टिकट हमने खरीद ली अभी। अच्छा यहाँ से बैठ के देख सकते हैं हम, इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू। अच्छा भाई बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये वाली कार की बिडिंग जा रही है। ओ भाई 12,000, भाई कितनी ज़्यादा बिडिंग लगा रहे हो, ये 15 जा चुकी है भाई। ओ भाई 15,900, अच्छा ये वाली बिक चुकी है, 58 की बिक चुकी है ये वाली कार तो, और ये वाली 16 की जा चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है भाई। ओ ये वाली बिकी, 16 की बिकी है वाली। ओ भाई ये तो टेस्ला है भाई, ये टेस्ला है भाई, ये टेस्ला है, इसकी क्या बिडिंग चल रही है, 34 से बिडिंग स्टार्ट हुई है भाई इसकी, भाई बहुत महंगी है वाली। तो चलते हैं भाई, ये तो हमारे बजट के बाहर ही ये सारी चीज़ें। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लाइक कर जाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले, डिफॉल्ट कार को हम बिल्कुल ही बिल्कुल लग्जरी कार शोरूम बना देंगे भाई। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक कर जाना, सब्सक्राइब करना, तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।